तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो कि फॉर अ फार मतलब हवाओं में ऐसा उड़ रही है कि बादलों को चीरती हुई निकल रही है। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल इंडस्ट्री की, जिनकी एक मूवी आ रही जिसका नाम है तूफान। तूफान से याद आया होगा आपको अमिताभ बच्चन की मूवी, ओह क्या मूवी थी, हर घर में हर बच्चे को पता तूफान मतलब अमिताभ बच्चन। अब आ रही है बंगाल इंडस्ट्री लेके अपना तूफान। बता दो, दो दिन पहले इसका ट्रीजर रिलीज़ किया गया है, हिंदी में रिलीज़ नहीं हुआ है, बंगाली में हुआ, लेकिन मैं लेके आया आप लोग के लिए हिंदी में रिएक्शन जस्ट फॉर यू। चलो फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ये लिखे हैं और पूछे भी हैं, तो उसका आंसर दे देता हूँ मैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है सुनील भाई ने पूछा है कि भाई बंगाली इंडस्ट्री का मोस्ट ऑफली बजट क्या होता है। भाई जो पहले था ना वो ऐसा था कि पहले भी बंगाली इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा बजट लेके चलती थी, और इस वक्त भी अभी आप देख लो कि एक बूमरिंग मूवी आ रही है, उसका भी ट्रेलर का मैंने रिएक्शन दिया, चैनल के ऊपर है, जाके देख सकते हो आप लोग। अब ये तूफान, इनकी बजट मतलब आराम से 400-500 करोड़ तो होते ही होते हैं अच्छे से अच्छी फिल्मों का। भाई इस मूवी का ट्रेलर कब आएगा? भाई अभी सिर्फ 2 दिन हुए इसको टीजर आए हुए हैं, तो मैं उसके रिएक्शन देने वाला हूँ अभी। तो अभी देखते हैं साथ में, देते हैं रिएक्शन हाउ इज़ इट। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो इसका आंसर मैं बाद में देता हूँ। उससे पहले अपने देते हैं रिएक्शन, आखिर टीजर कैसा है। ओके सो 1 2 3 हने वी गो। ओ रॉकी भाई, पूर्वेर कथा मुताबिक এখন থেকে পুরো দেশকে তুফানের হাতে তুলিয়া দেব। ভাই এই পুরা ভাইব রকি वाला दे रहा है, केजीएफ वाला ভাইব দে रहे। तो যা করিতে চাইবে করিবে, আজকে কোনো কিছুতেই বাধা দেয়ার এখতিয়ার কেউ রাখতে পারবে না। क्या बात है, আরের ব্যত্যয় ঘটিলে। नहीं 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 नहीं, अरे रे एनिमल, एक और एनिमल। सही है ब्रो, तूफान तूफान खूब भाई पैसी रे। अरे वाह, नाइस से ना, अच्छा है। वो चारों तरफ आग लगी हुई है, आग तो लगने वाली थिएटर में। ओह कूल मैन, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही हुआ कि बहुत अच्छा है। बजट की बात करूँ, सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ, या फिर एडिटिंग की बात करूँ, ओवरऑल सब कुछ देखा जाए वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छा। देखो अगर जब मैं बात करूँ कॉपी की कि भाई कॉपी किया कि नहीं, कि देखो हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से सीखता है, उसको कॉपी नहीं कहा जाएगा, अडेप्शन कहा जाएगा। अडेप्शन कह सकते हो या फिर आप इंस्पायर कह सकते हो आप उस चीज़ को। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंस्पायर है KGF से, क्योंकि लोगों के माइंड में बैठ गया है वो ऑरा। आजकल हर इंसान रूडली फिल्म देखने में कोशिश करता है कि भाई सिम्बा मेल, लोगों को ऐसी फिल्में पसंद आ रही है। तो ये वो जोनर की मूवी है। ऑफ कोर्स मैं ही वेट कर रहा हूँ, जब इसका ट्रेलर आएगा तो मालूम पड़ेगा एक्चुअली जो इसका स्टोरी बेस है वो किस वेरिएशन में जाने वाला है। बात करेंगे डायरेक्टर के, तो उनका नाम राहिन शाफी शायद, अगर जो मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो बता देना मुझे, कमेंट कर देना, मैं सही नाम के हिसाब से एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे टॉपिक मिल जाएगा। एक्चुअली जेन्युइन है ना वो बताता हूँ मैं कि मुझे कैसा लगा ये। देखो अगर जो मैं इसकी एक्टिंग की बात करूँ तो वो तब मालूम पड़ता है जब इनकी फिल्में देखें, फिल्म जब आती है ना तो मालूम पड़ता है कि भाई हाँ ये अच्छा एक्टर है, बुरा एक्टर है, कैसा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक झलक में मालूम पड़ जाती है कि भाई ये लड़का अच्छा लग रहा है या फिर ये सीन अच्छा लग रहा है। तो इसमें इस छोटे से टीज़र में बहुत कुछ ऐसा है जो लगता है कि भाई है अच्छा वाला है, वैसा है। अब बात की जाए इसके लीड एक्टर्स की, कौन कौन इसके अंदर है वो मैं रिव्यू में बताऊँगा, अगर जो आप कहोगे तो उसका पूरा वीडियो बनाऊँगा मैं, अगर जो आपने कहा तो। इससे आगे बढ़ने से पहले ये बोलूँगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि अगर जो आप ये करोगे तो जाके मुझे और हौसला मिलेगा और मैं वीडियोस बनाऊँगा, वरना फिर मैं भी यहाँ बैठा रह जाऊँगा, आप किसी और के चैनल पर देख के चले आओगे, क्या मतलब है ना। भाईचारा बना के रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।